और गांव में जो छाछ बनाया जाता है, जो मक्खन निकाला जाता है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। तो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे। तो आज जहाँ मैं आया हूँ गढ़वाल में, तो आप देखिए इसको, इसका नाम है अंकित। अंकित कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो हमारे लिए अंकित जो है मौसमी लेके आया है गाँव का, बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक वाला, बहुत बढ़िया। तो ये है इनकी माता जी और ये है इनके ससुर। तो आज इनके गांव में यहाँ पर आया हूँ, तो बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ देखने को मिला और बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग में। तो रात को हम इस वाले मकान में रहे, तो हमारे जो गढ़वाल के जो मकान होते हैं ये सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। तो इसके अंदर का नज़ारा मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ऊपर के, कि कैसे मकान लकड़ी के बने होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, जैसे कि मैं अंदर आ गया हूँ, तो ये ऐसे लकड़ी के बने होते हैं। कि पहाड़ में सारे ये मकान लुप्त होते जा रहे हैं और लेंटर के मकान बनते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें मौसमी संतरे कैसे लदे पड़े हैं यहाँ, लेकिन बस कमी है एक खाने वालों की। और यहाँ के लोग संतरे और संतरे तो खाते नहीं है शायद, और हमको खाना है तो मैं तो भर के ले जा रहा हूँ ऊपर वाले मकान में भी। तो गाइज अभी यहाँ का भ्रमण करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। और चाय पत्ती के बागान भी यहाँ पर हैं, जो यहाँ के लोग चाय पत्ती उगाते हैं फिर सरकार को देते हैं, तो वो भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं। तो सुबह के बजे इस समय ठीक 7:30 और धूप आने लग गई है, खिलने लग गई है, बहुत ही मस्त नज़ारा। और ये है भांग का पेड़, इसको चरस बोलते हैं यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पे इसको उगाते भी हैं और इसके कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, दवाई भी बनती है इसकी, जो यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सड़क थोड़ा सा ऐसा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का जो सड़क है ये गांव की सड़कें हैं, तो गांव के लोग तो उसमें फटाफट जाते हैं, लेकिन हमारी बस की बात नहीं है, तो हम भी जा रहे हैं धीरे करके। तो ये रहा जी नज़ारा। तो हम जा रहे हैं इस समय चाय के बागान देखने के लिए, और हमारे साथ पीछे मनोज भी हमारे साथ आ रहे हैं। और नज़ारे देखो आप यार, जब यहाँ पूरा भांग का पेड़ है पीछे, और ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है ये बांस का पेड़ है, बांस, हाँ हाँ, ये बांस का पेड़ है। आम तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ आम नहीं होगा क्योंकि ये ठंड है यह है। और ऊपर भी देखो नींबू और संतरे बिल्कुल लदे पड़े हैं देखो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ को खाने वाले नहीं है, क्या करें, बड़ी अरबी भी ऊपर है। तो ये सारे चाय पत्ती के बागान हैं जहाँ पर मैं आया हूँ। तो अंकल जी मैं पूछता हूँ, तो ये कैसे इनको बनाते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, तो ये हमको सब बताएंगे। तो चाय के बागान में है और पूछते हैं कि ये चाय की खेती कैसी होती है, कब से कर रहे हैं, तो हमसे पूछते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये चाय की जो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चंद्रमणि, मेरा नाम चंद्रमणि जोशी। तो जोशी जी आप हमें ये बताइए कि जो ये चाय पत्ती का आपने बागान हमको दिखाया, जो इतना बढ़िया भव्य और जो आपने हमको दिखाया, तो मेरे को आज पहली बार मैंने चाय की पत्तियाँ देखी है, आपने अपने सामने हाथ से टच करके भी देख रहा हूँ मैं इसको, ये बिल्कुल एकदम मुलायम पत्ते हैं। तो कब से ये खेती यहाँ पर हो रही है? खेती इसको 12-13 साल से ऊपर हो गया, 12-13 साल से ऊपर हो गया। तो क्या ये आप अपने मन से लगाते हो या फिर गवर्नमेंट लगाते हो? गवर्नमेंट द्वारा, रोजगार मिलता है इसमें, इसमें रोजगार मिलता है इसमें। तो कैसे लगाना होता है और कब इसको तोड़ना होता है, कब इसको क्या करना होता है? आजकल तोड़ते हैं इसको, आजकल तोड़ना स्टार्ट हो गया, ऊपर के कोमल तो पत्तियां तोड़ते हैं, इसको तो बुढ़ा हो गया ना ये, हाँ इसको तो टेस्ट करना है अब, ये बेकार हो गया, बेकार हो गया, बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा, इसमें पत्ती टेस्ट नहीं आएगा ना, इसमें टेस्ट नहीं आएगा। ये कोमल पत्तियां होती है जो बिल्कुल मुलायम से, बिल्कुल जो मुलायम से होंगी, ये वाली पत्तियां, डेढ़ पत्ती दो पत्ती का काम करता है चाय पत्ती का, अच्छा पत्तियां करती है काम, ये पत्तियां काम करती है, ये काम करते है, बाकी कोई नहीं करता, ये तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। तो फिर इसकी क्या कटिंग छटाई भी होती है? कटिंग छटाई सब वही होती है, कटिंग होती है यहाँ पे। और आपने ये पत्ते निकाल
करके इकट्ठा करना हुआ, फिर उसके बाद आगे जाता है विभाग को, विभाग को जाता है यार कि आपका चमोली गढ़वाल पड़ता है तो चमोली साइड भी जाता है सर? हाँ टोटल जाता है, कोसानी में है था ये? कोसानी में है इसका, कोसानी में हेड ऑफिस हमारा यहाँ बागेश्वर, इसमें बागेश्वर में। तो ये सारा गवर्नमेंट द्वारा ही लगाए जाते हैं, यहाँ पे देख रेख आपने करनी है, तो इसमें आपको कितना वो धन प्राप्त होता है? इसमें धन प्राप्त महीने का 5-6 हजार मिल जाता है, महीने का 5-6 हजार आपको इसमें मिल जाता है। तो बहुत ही आप इसमें सब खुश है, सभी गाँव वाले सब खुश होंगे रोजगार से, बहुत ही बढ़िया रोजगार है। तो ये है गाइज, हम है इस समय चमोली गढ़वाल के गाजर गांव में, बीना के अंदर में गाजर गांव पड़ता, तो ग्राम सभा बीना है। तो यहाँ पर आए, कल मैं इनके घर आया था, मैंने कहा चाय के बगान देखने मुझे कि चाय की पत्तियाँ कैसी होती है। तो चाय की पत्तियाँ गाइज मैंने आपको दिखाया, ये कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर जो पत्ता होता है कोमल वाला, नॉर्मल वो पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पेड़ में कितने पत्ते मिल जाते होंगे आपको? मिल जाता पाव भर मिल जाता है एक पेड़ में, पाव भर के करीब ये इसमें मिल जाता है। तो अभी इसमें से आपने निकाल दिया है? निकाल दिया है। हाँ निकाल दिया है। तो ये पेड़ क्या धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, क्या होता है इसका? कटिंग होती रहती है ना, इसके बाद में कटिंग होती रहती है, 2.5 फीट 2 फीट। तो ये पेड़ हमारे गर्म इलाके में नहीं हो सकता? हो सकता, क्यों नहीं, ये पेड़ हो जाएगा हमारे वहाँ भी? हेड ऑफिस वही से कोसानी से तो हुआ है, कोसानी से हुआ है। तो इस पर इनका कोई मतलब वैरायटी भी है, कोई नाम भी है इनका पेड़ों का अलग अलग? नहीं वैरायटी तो एक ही है, वैरायटी एक ही है सर का। तो आप लोग इन्हीं से जो यहाँ की जो चाय पत्ती है जो आपने कर रखा है, चाय इसी की बनाते होंगे आप? हम तो बनाते हैं वो चोरी छिपे, बाकी तो हाँ बाकी गवर्नमेंट को जाता है ना, गवर्नमेंट को जाता है। तो आप अपने घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते? इस्तेमाल करते हैं। तो सारे गांव के लोग जो कर रहे हैं वो घर में इस्तेमाल क्यों करता होगा? बाहर से आपको चाय पत्ती खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? जो हमने जो सुबह चाय पी थी वो इसी की पत्ती की चाय थी? वाह वेरी गुड, तो बिल्कुल नेचुरल और एकदम ऑर्गेनिक चाय है वो। हाँ इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। तो गाइज आज सुबह मैंने भी इसी की चाय पी आज, तो चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, और जो कि शुगर कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है, कई चीज़ों में ये आनंद है। आप इसकी लेमन टी भी पी सकते हैं और ग्रीन टी भी इसका पी सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को भी घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 1-2 किलो मेरे को भी यहाँ से चाय पत्तियाँ मिली, तो मैं भी अब दिल्ली ले जाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा और मैं भी इस्तेमाल करूँगा। तो ये था, और इसमें कुछ ये दाना टाइप का रखा, ये क्या है? ये बीज है ना चाय पत्ती का। अच्छा ये बीज होता है ये जो बीज होता है, तो ये बीज क्या करना? बीज इसके आसाम से आता है ना बीज, भी है ये बीज, ये बीज अच्छा चाय पत्ते का बीज ये है? हाँ ये बीज है। वाह 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 वाह, तो ये चाय पत्ते का बीज लगाओगे तो इससे पेड़ बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। हाँ तो ये बीज में रख लूँ नर्सरी में? हाथ रख लो। हाँ तो ये है गाइज चाय पत्ते का जो बीज है, और इसी से क्या कहते हैं चाय पत्ती की पेड़ की उपज होती है। तो ये इसका लगाने का तरीका और कब कब तरीका? ये तो नवंबर दिसंबर में होता है ना, ये तो नवंबर दिसंबर में, कच्चा बीज है ना ये भी। हाँ तो ये भी कच्चा है, तो अब ये पेड़ इसका ये लग जाएगा? बन जाएगा। हाँ ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, कच्चा है ना। चलो ये भी रख लेते हैं हम, अपने निशान रखते हैं इसको। तो ये है, तो ये सारे ऊपर भी और इधर भी सर जो है चाय की पत्तियों के बगान लगा रखे। तो अधिकतर गाँव में यह जो है कि यहाँ पर सब चाय पत्तियों के ही बगान है लोगों को, बाकी क्या करना है? रोजगार मिला। हाँ रोजगार मिला है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक पहल है, और जो कि गांव में रोजगार मिला है और लोग के गांव के लोग भी खुश हैं, उनको भी महीने की मंथली के 5-7 हजार रुपये मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, शुरू में स्टार्टिंग में पेड़ लगाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती होगी, और अब जाके ये फल देना लग गया है। तो महीने के 5-7 हजार रुपये अगर इनको घर बैठे मिल जाए तो बहुत ही इससे बढ़कर और क्या अच्छा रोजगार चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों को भी ये पता नहीं है कि और भी फलदार वृक्ष यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि ये बांझ ये पेड़ जहाँ पर होता है वहाँ पर ठंड होता है, और यही पेड़ ठंड के जगहों पर ही होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने बर्फ भी यहाँ पड़ती है। तो गांव में कम निवासी हैं, यहाँ जो गांव में रह रहे हैं उन्होंने अपना रोजगार यहाँ पर चला रखा है, और बाकी जो भी है ये है सर यहाँ का। तो गाँव हाँ इसको बंदर भी नुकसान नहीं करता, और इसको क्या कहते हैं वो सुअर भी नुकसान नहीं करता, उखाड़ेगा वो क्या करेगा। तो ये था गाइज कुछ इस तरह का नज़ारा जो मैंने आपको दिखा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, बताएं कि आपको ये चाय का बगान उत्तराखंड का कैसा लगा। तो चलते हैं आगे और भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। समय इसका हो गया, पकने लग गए है ना। तो ये है मौसमी संतरा माल्टा। तो हर गांव में घर के आगे आंगन में ये पेड़ लगा हुआ है और लदे हुए हैं सब, लेकिन बस कमी है केवल खाने के वालों की, और यहाँ के लोग कमी खाते हैं इसको, क्योंकि कितना खाएंगे, खाते खाते तक गए हैं।
ठंडा मौसम है, तो मैं तो आ रखा हूँ भाई, हम तो इस चीज़ की हम तो ले जा रहे हैं अपने घर को, तो ये वाली बात है। बाकी डिश भी लगा रखा है, टीवी का भी मनोरंजन यहाँ पर लोग देखते हैं। बाकी एरिया बहुत ही बढ़िया है, सामने घनघोर जंगल है और उस पहाड़ी पर आप देख सकते हैं पूरा गांव दिखाई दे रहे हैं, और उस तरफ पूरा जो है धूप आ चुकी है, अभी इस तरफ धूप नहीं आई है। तो ये है, और ये है इनका गौशाला यहाँ पर नीचे, सब बढ़िया। तो ये है नज़ारा कुछ, और ये सामने देखो आप चीड़ के पेड़ हैं। और गांव में सब लोग अपने अपने शहरों में हैं, और केवल यहाँ हमारे अम्मा लोग जो बूढ़े लोग हैं वो गांव में यहाँ पर रह रहे हैं। तो और सभी लोग अब देखो अम्मा जी देखें ये तब भी यहाँ पे खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन जो शहरों में जो इतने उम्र के लोग हैं वो अभी तक इतने ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, खाली वहाँ बीमारी से ग्रस्त हैं सब। ठीक है, हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है और हमारे लिए बन रही है छाछ। और गांव में जो छाछ बनाया जाता है, जो मक्खन निकाला जाता है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। ये है, वाह 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 वाह। तो ये है हमारे जो, तो ये छाछ जो है स्पेशल हमारे लिए बनाया जा रहा है। और हाँ, बहुत बढ़िया, हमारे साइड में तो ये चीज़ें सारी लुप्त हो चुकी हैं, और लेकिन यहाँ पे अभी भी बना रहे हैं, और तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बार मेरे को देना, इधर दिखाना, ला दिखा दो, मैं करता हूँ एक बार, मर एक मर ना, ये ऐसे ना हल्के हल्के, हाँ हल्का लेगा। अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा भाई, तो गिरेगा नहीं। अच्छा इसको टच नहीं करना है, तो ताकत तो लग रही है, मेरे को सांस फूल रहा है भगवान। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, जैसे कि मैं अभी ये सांस फाँक रहा हूँ तो इसमें काफ़ी ताकत लग रही है, और मेरा थोड़ा सा सांस भी फूल लगे, क्योंकि हमारे को हैबिट नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो ये अभी बना रहे हैं इनको ताकत है, लेकिन ताकत हमसे ज़्यादा तुम पाए ये लो। तो ये था नज़ारा कुछ इस तरह का गाइस। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखो जो यहाँ छाँस फानते हैं उनकी करो आप, उसके चढ़ाए पर है। हाँ जाओ, तुम जाओ फिर है? हाँ मारो, बस ये छाँस लेके आ रही है। ठीक छो ठीक छो, तो ये है यहाँ का बहुत ही बढ़िया कल्चर। और जो इनका तो बहुत काम है, ऐसे यहाँ पर मक्खन निकाला जाता है, और वो देखो ये शैतानी बहुत कर रहा है। तो ये था यहाँ का, आया मज़ा, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। और अब हम तैयारी कर छाँस लेके हम भी जा रहे हैं सीधा फिर नीचे सड़क तक। तो कल रात हम सड़क से कितने ऊपर आए थे वो भी मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊँगा।